राज्य भर में आज से प्रारंभ किए गए त्रिदिवसीय शाला प्रवेश उत्सव के तहत शहर के गोरवा विस्तार में आई हुई वीर सावरकर प्राथमिक शाला में प्रवेश उत्सव तथा कन्या केलवनी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य भर में आज से त्रिदिवसीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके भाग रूप वडोदरा शहर में भी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की तमाम प्राथमिक शाला में आज 23, 24 और 25 वैसे 3 दिनों के लिए शाला प्रवेश उत्सव और कन्या केलवनी महोत्सव का प्रारंभ किया गया। शहर के गोरवा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित वैसे वीर सावरकर प्राथमिक शाला में आज प्रवेश उत्सव का प्रारंभ करते हुए वडोदरा के मेयर के यू रोकड़िया, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन हितेश पटनी सहित वार्ड नंबर 8 के काउंसलर उपस्थित रहते हुए आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा 3 दिनों के लिए गुजरात सरकार के मार्गदर्शन के तहत शिक्षण विभाग की राहबरी के तहत शिक्षण समिति की तमाम शाला में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है। कक्षा 1 के बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव करवाने के बीच आज कन्या केलवनी महोत्सव भी मनाया गया, जिसके भाग रूप आज तमाम बच्चों को शैक्षणिक किट देते हुए शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया था। साथ ही लोगों में पेड़ बढ़ाओ की जागरूकता लाने के साथ यहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां आज भारी तादाद में बच्चों को सामूहिक कक्षा 1 में प्रवेश देने के साथ उनका भव्य सत्कार और स्वागत सत्कार किया गया, जहां बच्चों को शैक्षणिक किट यूनिफॉर्म आई कार्ड के साथ तमाम अत्याधुनिक सुविधा से सज वैसे क्लासरूम यानी कि स्कूल के वर्ग खंड में प्रवेश दिया गया था। गुजरात सरकार द्वारा अने वडोदरा महानगरपालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा आज कन्या केळवणी महोत्सव अने शाला प्रवेश महोत्सव नी आज शुरुआत करवामां आवी छे। धोरण 1 नी अंदर 3300 जेटली संख्यामां छोकराओ प्रवेश आज नव्या प्रवेश पामवाना छे। आ 3 दिवसना गाळानी अंदर जे धोरण 1 प्रवेश पामनार तमाम बाळकोने नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा महानगरपालिका द्वारा सारा मानी स्कूल बेग अंदर तमाम किट वॉटर बेग नास्ता डब्बो कंपास बॉक्स तमाम वस्तुओं नोटबुक चोपड़ा बूट स्कूल ड्रेस आ तमाम वस्तुओं आपीना धोरण 1 बाड़कों ने आज सत्कारवामां आव्या छे। बाड़को भणे घर आगळ वधे आ हेतु थी आ बाळकोनो प्रवेश पूरेपूरो थाय 100% नामांकन थाय अने तमामने प्रवेश आपवानी कार्यवाही नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा करवामां आवी रही छे। हूँ शिक्षण समितिने अभिनंदन आपूं छूं कि गत वर्ष करता पण वधु बाळको आ वर्षे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति शाळाओमां एडमिशन लेवाना छे। दिवसे ने दिवसे सरकार द्वारा RTE एक्ट हेठळ खानगी शाळाओमां 25% लेखे बाळकोनी फाळवणी वधी रही छे અને એની સાથે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં પણ સંખ્યામાં પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ પામતા બાળકોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એટલે કે સરકારી માધ્યમથી બંને રીતે લાભાન્વિત લોકોની સંખ્યામાં દિવસે ને દિવસે વધારો થયો છે। એ દેખાય છે કે લોકોને સરકાર લોકોને મહાનગરપાલિકા અને એના શિક્ષણ વિભાગ પર પૂર્ણ ભરોસો છે અને લોકો એની તરફ ડાયવર્ટ થયા છે। અંગ્રેજી માધ્યમની પણ નવી શાળા ખોલવાની શરૂઆત શિક્ષણ સમિતિમાં હું ચેરમેન હતો ત્યારે કરી છે અને હવે આ વર્ષે પણ નવી એક અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા ખુલી રહી છે, ત્યારે દિવસે ને દિવસે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા તમામ વર્ગ તમામ લોકોને સારું ફેસિલિટી મળી રહે, સારા રૂમ સારા ટોયલેટ બાથરૂમની સુવિધા સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળી રહે પાણીની સારી સુવિધા મળી રહે એ તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે। હું નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અમારી ટીમ હિતેશભાઈ પટની અહીં મિનેશભાઈ ઉપસ્થિત છે એમની સમગ્ર ટીમ સમગ્ર આચાર્યશ્રીઓ શિક્ષકોને અભિનંદન આપું છું।